फेमस है वो है बिना ऑपरेशन हृदय रोग का इलाज करने में, वैसे ही दूसरी चीज है बिना ऑयल खाना। तो हम क्यों ऑयल को स्टॉप करते हैं हार्ट के मरीज के लिए? बिकॉज इंडिया में जो 80% ऑयल यूज होते हैं वो सारे रिफाइन होते हैं, मतलब उसको रीयूज करते हैं। और रिफाइन प्रोसेस को मैं अगर डीपली समझाऊं तो उसमें डी ऑर्डरिंग एजेंट डालते हैं, जैसे उसका ऑयल का ऑर्डर को कम करने के लिए केमिकल डालते हैं, वापिस उसका जो थिकनेस है ऑयल का उसको कम करने के लिए वो वापिस केमिकल डालते हैं, और शेल्फ लाइफ मतलब ऑयल को लंबा समय चलाने के लिए उसमें कुछ सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। ये सारी प्रोसेस से उसका जो फैटी एसिड है, विटामिन ई है, कैरोटीन है, वो सारे वॉश हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो ऑयल को अगर आप वापिस गर्म करके खाओ तो वो सीधा नली के एंडोथेलियल लेयर पे जमता है और वो हार्ट अटैक कॉज करता है। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, कनेक्टिव टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जैसे कि वीडियोस। वो वीडियोस से आज हम आपको सिखाएंगे बिना ऑयल आप कैसा खाना बना सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिनको हार्ट की बीमारी है, अटैक आ चुका है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और जिनको अटैक से प्रिवेंट करना हो। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे जाने माने डाइट एक्सपर्ट और जीरो ऑयल एक्सपर्ट, खास करके अंजू श्रीवास्तव, जो अपने यूट्यूब चैनल अंजूस किचन से भी जाने हैं। वो आज हमें सिखाएंगे डिफरेंट डिशेस बिना ऑयल कैसे बनाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अंजू श्रीवास्तव का जीरो ऑयल कुकिंग क्लासेस अटेंड करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अंजूस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। पालक पनीर बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट पालक है। पालक तो हेल्दी होता ही है क्योंकि इसमें आयरन, विटामिन ए, सी और फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और मैं इसमें थोड़ा सा पुदीना ले रही हूँ। पुदीना को तो प्राचीन काल से एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है। यह एंटी ऑक्सीडेंट होता है। इसमें मैंथॉल और फाइटो न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से ये डाइजेशन में मदद करता है। और इसमें मैं ऐड करूँगी कोरिएंडर लीव्स। कोरिएंडर लीव्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स पाया जाता है और ये एंटी ऑक्सीडेंट होता है, जिसके वजह से ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है और ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। और पालक पनीर में इसे ऐड करने से ये पालक पनीर के टेस्ट को इन्हेंस करेगा। तो चलिए देखते हैं मैं इसे कैसे बनाती हूँ। 200 ग्राम्स पालक, 50 ग्राम पुदीना के पत्ते और 50 ग्राम कोरिएंडर लीव। 200 ग्राम्स लो फैट पनीर लेंगे। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और मसाला बनाने के लिए चाहिए एक प्याज, एक टमाटर, दो हरी मिर्च और ये अदरक और ये थोड़ा सा काजू। सबसे पहले तो एक पतीले में पानी को उबलने के लिए रख देंगे। देखिए पानी उबल गया है और ये सारे पालक के पत्तों को इसके अंदर डाल देंगे। और अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ और एक मिनट इसे रहने देंगे। एक मिनट हो गया है और ये धनिया पत्ती और ये पुदीने के पत्ते इसे भी इसके अंदर डुबो देंगे। और मैं एक पतीले में ठंडा पानी रखी हूँ, सारे पत्तों को निकाल कर ये ठंडा पानी में डुबो देंगे। इस प्रक्रिया को ब्लांच करना कहते हैं। ब्लांच करने से एक तो जब पालक पनीर बनाएंगे तो पालक पनीर ग्रीन कलर का बनेगा और दूसरा इसके अंदर जो भी केमिकल पेस्टिसाइड होगा गर्म पानी में डुबाने से वो निकल जाएगा। और अब इस पानी को थ्रो कर देंगे। सबसे पहले तो प्याज को बारीक पीस लेंगे और ये अदरक को कस लेंगे। एक कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। इसे भून लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे ये पिसा हुआ प्याज और इसे भी भून लेंगे। अब ये टमाटर और हरी मिर्च का भी पेस्ट बना लेंगे। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और साथ में ऐड करेंगे ये कसा हुआ अदरक
इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। हल्दी, मैं ग्रीन चिली ऐड करने वाली हूँ, तो रेड चिली पाउडर मैं थोड़ा कम ली हूँ, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ये ब्लैक पेपर पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए थोड़ा ये चिपक रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और अब इसमें ऐड करेंगे ये पिसा हुआ टमाटर, और इसमें ऐड करेंगे नमक। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढककर 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। अब ये सारे पानी को निकाल देते हैं और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये ग्राइंड हो गया है, 2 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं। इसे मैं 2 मिनट और ढककर पकाऊंगी। 2 मिनट और हो गया है, देखिए मसाला अच्छी तरह से पक गया है। और अब मैं ऐड करूंगी ये पालक का पिसा हुआ पेस्ट। और इसे भी ढककर 1 से 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट हो गया है, इसे 2 मिनट और भूनेंगे। और मैं ये सेम जार यूज कर रही हूँ और उसमें ये काजू का भी पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, देखिए बारीक पेस्ट बन गया है। 2 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं। वाह, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पुदीने की और कोरिएंडर लीव्स की। और अब इसमें ऐड करेंगे पनीर, इसे भी मिक्स कर देंगे। गरम मसाला पाउडर, सौंफ पाउडर और ये कसूरी मेथी, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे ढककर 1 मिनट पकाऊंगी। 1 मिनट हो गया है, और अब इसमें ऐड करेंगे ये काजू का पेस्ट। मैं थोड़ा सा पेस्ट गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ, अब इसे भी मिक्स कर देंगे। पनीर को डालकर बहुत ज़्यादा ना पकाए, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएगा। थोड़ा सा पनीर को मैं ऐसे कस कर डालूंगी, जिससे इसकी ग्रेवी थिक हो जाएगी। और अब इसे भी मिक्स कर देंगे। हेल्दी एंड टेस्टी पालक पनीर तैयार है, चलिए सर्व करते हैं। और अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। हेल्दी एंड टेस्टी ऑयल फ्री पालक पनीर तैयार है सर्व करने को। आप इसे लंच या डिनर में बना सकते हैं।